अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हफीज़ रहमान है। मुझे इस साल जलसे पे शोभा नाज़िम वक्फ़े आर्ज़ी का दिया गया है। हम आपको भी दिखाते हैं कि वक्फ़े आर्ज़ी के शोभे के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे कि हम अभी एक राउंड लगाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये लजना की साइड बन रही है। तो ये जो लजना की बाज़ार की मार्केट लग रही है, यहाँ पे तकरीबन 40 गोदाम सुबह से आए हुए हैं, काम कर रहे हैं, मार्कियाँ बना रही हैं। ये फर्म स्ट्राव की तरफ से हम ये जो शेल्टर हैं सब किराए पे लेते हैं और वो हमारी मदद भी करते हैं बनाने की, हमें सिखाते हैं, दिखाते हैं कि हम कैसे बनाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सब गोदाम काम पर लगे हुए हैं टेंट बनाने पे और सब बिजी हैं, सबको अपने अपने काम का पता है क्योंकि हर साल हम इनसे ही जो है टेंट लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि है ये बीफर स्टैंड के लिए सेट लगाया जा रहा है और ये भी मुकम्मल हो गया, तकरीबन साइडें सब लग गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम शुरू कर रहे हैं जो किंडर सेट है बच्चों के लिए, जो जहाँ औरतें जो लजना है बच्चों वाली वो इधर आराम से बैठ के बच्चों के साथ जलसा सुन सकें। जैसा कि आप देख सकते हैं सब गोदाम काम कर रहे हैं। इस साइड पे आप देख सकते हैं जो लजना का खाने वाला टेंट है वो तैयार हो चुका है। यहाँ सब साइडें भी लग चुकी हैं। इधर वो इस साइड पे आप देख सकते हैं ये खाने के टेंट हैं जो मर्द हजरात के लिए, वो उनकी ये साइड है। यहाँ पे एक जाली भी लगेगी जहाँ पे लजना का और जो मर्दों का है जो साइड है वो अलग की जाएगी जाली के साथ। जैसा कि आप इधर देख सकते हैं इधर भी एक टेंट और लगेगा, जो एक टेंट और लगेगा यहाँ पर ऑफिस जलसा सालाना। और जैसा कि आप देख सकते हैं ऑफिस जलसा सालाना की तैयारी हो रही है टेंट की। इस साइड पे आप देख सकते हैं कि जो वाशरूम्स हैं उनकी तैयारी हो रही है, टूटी लग रही है, पैप जो है वो खींच रहे हैं अंसार भाई हमारे। इधर जो है टॉयलेट का इंतज़ाम हो रहा है वाशरूम का। इधर आप देख सकते हैं कि जो हमारी मेन मार्क की है वो ख़त्म हो चुकी है तकरीबन मुकम्मल। कुछ गोदाम लहमदिया के जो लगे हुए हैं साइडें बंद करने पे, तो इधर अभी सारे गोदाम काम पे लगे हुए हैं। इस साइड पे हमारा जो परचम खुचाई होगी झंडा इधर इस साइड पे लगेगा और ये हमारी मेन मार्क की है जो अब मुकम्मल तकरीबन खड़ी हो चुकी है। अभी इसके क्लीन डालेंगे और जो साइडें हैं सब तैयार हो गई हैं, लाइटिंग का बिजली का वो सब भी इंशाल्लाह हम आज शुरू कर देंगे। तो आज सुबह हमने 10 बजे शुरू किया था ये सब खड़ा करना। खुदा हमने देखा अमीर साहब की दो तीन बातें अमीर साहब ने हमें कहीं और उसके साथ ही हमने दुआ के साथ ये शुरू किया वकारे अमल। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बोर्डन बन गई है या जिसे ज़मीन जो एमटी के सेल्ट है एमटी के लिए जो टेंट है उनके लिए अभी इस पे टेंट इंशाल्लाह हम आज लगा देंगे। इस साइड पे भी अभी जो खाली जगह पड़ी हुई है आप देख सकते हैं यहाँ पर भी टेंट लगेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे खुदाम काम कर रहे हैं बोर्डन बनाने पर। ये फिरमा स्ट्राप जो है वो हमारी मदद करती है, हमें बताती रहती है कि ऐसे बनाएं या बोर्डन, वो अपनी निगरानी में ये बोर्डन बनवाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सब खुदाम काम कर रहे हैं। तो अब हम इस साइड पे चलते हैं, यहाँ पर ये सब नाप की काम किया जा रहा है एक जैसा लेवल कि जो लोग हैं वो चलने में उनको आसानी हो। इस साइड पे आप देख सकते हैं ये खाली जगह। इधर हम ये जैसे कि आप देख सकते हैं इधर जो ज़ियाफ़त का है यहाँ पे निज़ाम किया गया है, उनकी जो चीज़ें हैं इस टेंट में आएंगी
और इधर एक और टेंट भी अभी लगने वाला हुआ है जो चाय के लिए होगा, और अंदर जो किचन के हैं वो भी हमारे लिए सुबह से लगे हुए हैं खाना बनाने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं इस किचन में सब खाना बना रहे हैं सुबह से ही आकर, जो कार्यामल कर रहे हैं के लिए सब लोगों के लिए। फिर बाहर की साइड पर चलते हैं, इसी तरह हमने आपको दिखाया कि ये हमारी तैयारी अभी हो रही है, तो इसी के साथ हम आपको खुदाफिज कहते हैं। जब बढ़ गया शोरो फुगा में, अदू जब बढ़ गया शोरो फुगा में, निहा हम हो गए यारे निहा में, निहा हम हो गए यारे निहा में।